मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को 23 नई तहसीलों की सौगात दी है। 15 जिलों में जन सुविधा को देखते हुए इन तहसीलों का गठन किया गया है। सीएम ने अपने निवास से वर्चुअल माध्यम से इन तहसीलों की शुरुआत की है। बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में तीन तीन, रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बलरामपुर रामानुजगंज जिले में दो दो, धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, मुंगेली, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर और सुकमा में एक एक नई तहसीलें बनाई गई हैं। नियमितीकरण की मांग कर रहे विद्या मितानों का आज बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। बड़ी संख्या में विद्या मितान दोपहर में सीएम हाउस घे का घेराव करेंगे। प्रदेश भर से अलग अलग संगठनों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। नियमितीकरण के लिए बीते 16 दिनों से विद्या मितानों का आंदोलन लगातार जारी है। विद्या मितानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है और रायपुर शहर में अलग अलग जगहों पर पुलिस बल भी तैनात है। विद्या मितान संघ ने कहा है कि पिछले 15 दिनों से वे अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बार केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन आज हम नियमितीकरण कराने का संकल्प लेकर उतरे हैं। अपनी बात पहुंचाए हैं लेकिन सूद नहीं ली है, तो हमने आज महारैली और सीएम घेराव का निर्णय लिया है। और हमको समर्थन देने के लिए विभिन्न संगठन है, अनियमित कर्मचारी संगठन है, साले शिक्षक कर्मी संगठन है, डेड वेट संघ संगठन है। यदि हम नियमित रहते तो हमको सैलरी मिलते ही रहता, आज हम नियमित नहीं है इसी वजह से हमको सैलरी नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो जाए और हर महीना हमारा सैलरी मिलते रहे, वरना हमारे घर में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लोग यहाँ वहाँ से कर्ज लेके पुलिस थाने के अच्छे अच्छे टीचर्स को फिर कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में पुलिस थाना का चक्कर भी लगाना पड़ता है। आमतौर पर दीपावली के